हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप इस सैंडविच को बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हो या फिर छोटी मोटी भूख में आप खुद भी बनाकर खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल लिए हैं और ऑयल के अंदर आप मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच राई और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा और फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हींग। इन सभी मसालों को हम ऑयल में डाल के और अच्छे से चटका लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक कट करके और इसे भी भून लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हल्का सा भून लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता को भी हम यहाँ पर भून लेंगे और ये देखिए सभी अच्छे से भूनकर तैयार है। अब सूखे मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। अब इन सभी मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/2 कटोरी हरे मटर। तो मटर को भी हम प्याज के साथ डाल के और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मटर को मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। तो आलू मैंने यहाँ पर अच्छे से पहले से मैश करके रखा था और अब मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल के और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारा मसाला आलू के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मसालों को स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए ये मसाले अच्छे से भुन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 1/2 चम्मच लेमन का रस। लेमन का रस डालने से मसाला का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया और लेमन का रस को भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर मसाले के अंदर डाल के और इसे अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से मसाला पककर रेडी हो गया है। सैंडविच के लिए हमें ऐसा ही परफेक्ट मसाला चाहिए जो कि हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम मसाले को साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार। तो हम यहाँ पर सैंडविच के लिए चटनी बनाएंगे। तो मिक्सर जार में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर धनिए की चटनी बना रही हूँ, यानी कि सैंडविच के लिए जो हरी चटनी बनाई जाती है वही चटनी बनाकर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया है, साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कली और 2 छोटे टुकड़े अदरक के। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ और जीरा डालने से चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिक्स वाली जो नमकीन आती है वही इसमें ऐड किया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लेमन का रस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। अब हम इसको पीसेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे और पानी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी पीस कर तैयार कर ली है। 1-2 स्पून मैंने ऊपर से इसमें पानी ऐड किया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब मैं इसमें नमक डाल के और नमक को भी मिक्स कर लेती हूँ। तो ये सैंडविच के लिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब चटनी को हमने यहाँ पर साइड में रख दिया है और सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड। तो फ्रेंड्स, ब्रेड की जो साइड की जो ब्राउन वाली लेयर होती है उसे चाकू की सहायता से मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ, क्योंकि सैंडविच बनाने के लिए हमें जो साइड वाली लेयर है उसका यूज नहीं करना है। अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पर इसे कट कर दिया है क्योंकि सैंडविच बनाने वाले भी इसका यूज नहीं करते हैं, वो भी इसे साइड में से कट कर लेते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने चारों ओर से इसकी लेयर को कट कर लिया है और जो इसका बीच वाला पार्ट है वो रख लिया है। अब सबसे पहले सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड लिए हैं। तो दोनों ब्रेड के ऊपर मैं इस तरीके से बटर लगा लेती हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है। बटर यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा था तो इसलिए लगने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, फिर मैंने इसको हल्का सा मेल्ट किया तो अच्छे से लग गया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरी चटनी जो कि हमने पीस कर तैयार की थी।
तो चटनी को भी हम अच्छे से ब्रेड के ऊपर लेप कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने इसे चारों ओर फैलाकर और चटनी को लगा दिया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जो मसाला आलू का हमने बनाकर तैयार किया था। तो ये लीजिए, यहाँ पर मसाले को मैं हाथ की सहायता से ही फैला रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैल जाए। और दूसरे ब्रेड के ऊपर मैंने यहाँ पर बटर लगा के और इसके ऊपर लगा दिया है टोमेटो केचप। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो लाल वाली चटनी आती है उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसे टोमेटो केचप से कोट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने नीचे वाले ब्रेड के ऊपर तो लगाया ग्रीन चटनी और ऊपर वाले के ऊपर लगा दिया टोमेटो केचप। तो ये देखिए, ये सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे तवे के ऊपर सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले इसे बनाकर तैयार कर लिया है और इसे साइड में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक और सैंडविच बनाकर बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस से बटर लगा लिया है और उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हरी चटनी। तो आप देख ही पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट सैंडविच बनाया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पर सेकंड सैंडविच बनाकर तैयार कर रही हूँ। पहले बटर लगाया, उसके बाद चटनी लगाई और फिर मैंने आलू का मसाला डाला और दूसरे ब्रेड के ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस से मैंने इस ब्रेड को भी अच्छे से कोट कर लिया है और हम इस तरीके से इसके ऊपर से इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखिए, दोनों सैंडविच मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब तवे के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर के ऊपर ही हम यहाँ पर सैंडविच को सेकेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर बटर लगा के और मैं दोनों सैंडविच को तवे के ऊपर रख देती हूँ। गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर लो मीडियम रखूँगी, हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर सैंडविच को नहीं सेकेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं लो फ्लेम के ऊपर सैंडविच को सेक रही हूँ, तो ये हल्का सा नीचे से सिक गया है, तो मैं इसे पलट देती हूँ, क्योंकि हमें सैंडविच को उलट पलट करते हुए सेकना है और हमें चेक करते रहना है, नहीं तो सैंडविच हमारा नीचे से जल सकता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस भी कर दिया है और उलट पलट करते हुए मैंने सैंडविच को यहाँ पर 2 से 3 बार उलट पलट करके और इसे अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे सेक लिया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कितने क्रिस्पी से सैंडविच सेक कर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, यहाँ पर दोनों सैंडविच मैंने अच्छे से सेक कर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इन सैंडविच को प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर दोनों सैंडविच को प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे ये सैंडविच सिक कर तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों सैंडविच की प्रोसेसिंग बराबर बताई है। तो मैंने, ये लीजिए, दोनों को प्लेट में निकाल के और अब मैं यहाँ पर इसे साइड में रख देती हूँ और अब मैं यहाँ पर सैंडविच को कट करूँगी। तो फ्रेंड्स, सैंडविच को मैं यहाँ पर कटर बोर्ड के ऊपर निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देंगे। और अब मैं चाकू की सहायता से इस तरीके से सैंडविच को दोनों ओर से दबाते हुए और बीच में से इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लेती हूँ। आप सैंडविच को अपने मनपसंद पीसेस में कट कर सकते हो, लेकिन सैंडविच तो ट्राइंगल शेप में ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है और चाकू को इस तरीके से चलाते हुए मैंने इसे कट किया है। तो इसकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है मसाले का। एक तरफ यहाँ पर चटनी की लेयर दिख रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर टोमेटो केचप की, और बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं और सैंडविच को आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। मैं यहाँ पर इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।